मैं बहुत बुरा हूं मेरा, मैं हमेशा बहुत बुरे तरीके से तुम्हारे साथ पेश आया। अब मुझे एहसास हुआ कि तुम मेरे रवैये को किस तरह बर्दाश्त करती थी। नवाज प्लीज, मैं उस दौर से गुजर चुकी, अब वो पुरानी बातें मत याद दिलाए मुझे। पुरानी यादें, पुरानी बातें तो आने वाले कल का सबक देती है। मैं तुमसे वादा करता हूं कि कभी तुम्हें दुख नहीं दूंगा। नवाज, एक बात बिल्कुल सच बताए, क्या आपको मुझसे मोहब्बत नहीं थी? मैं हमेशा अपनी अना और जिद में अटका रहा हूं मेरा। हो सकता है कि जब रिश्ते की बात हो रही होगी तो मैं किसी और को पसंद कर रहा था और मैं वहीं पे अटका रहा, और मैं सिर्फ तुमसे रिश्ता निभाना शुरू हो गया, और ये रिश्ता निभाते निभाते मुझे कब तुमसे प्यार हो गया मुझे पता नहीं चला, कब तुम मेरी जरूरत बन गई, मेरी खुशी की, मेरी हर चीज की। इस बात का एहसास मुझे तब हुआ जब तुम मेरे पास नहीं थे। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तुम बस एक बार मुझ पे भरोसा कर लो। और रही बात सवेरा की तरफ माइल होने की, तो वो सिर्फ मेरी एक जिद थी, मेरी अना थी और कुछ नहीं था, या फिर खाला का लालच जो उन्हें आगे ले गया। नवाज, हमने अपने लिए अब एक नया ख्वाब देखा है और उसके लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। देखो, मैं तुम्हें नहीं मना करूंगा, तुम जो करना चाहती हो तुम करो, अपना मुकाम पैदा करो, अपना अपना कारोबार करो, अपना नाम पैदा करो, बस मेरे साथ मेरे घर चलो। वो मेरा सवेरा ने मुझे माफ कर दिया, सवेरा ने अगर मुझे माफ कर दिया तो तुम भी मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूं कि मैंने आज तक अपने फर्ज कभी पूरे नहीं किए, लेकिन अब अपने फर्ज पूरे करना चाहता हूं एक एक करके। मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, बस प्लीज मेरे साथ मेरे घर चलो। और तुमने कैसे सोच लिया कि मेरी बीवी की बहन इस तरह लावारिसों की तरह रह सकती है? मेरा, मैं अब तुम्हें बहुत इज्जत और एहतराम के साथ अपने घर में रखूंगा, और अगर सवेरा मुझे अपना भाई समझती है तो उसे कहना कि इस रिश्ते की लाज रख ले। हद है नाजी, तुम ये क्या फैसला करने जा रही हो? अपनी ही जिंदगी अपने ही हाथों से बर्बाद करने पे तुली हुई हो? अरे जवाब, तुम्हारे बच्चे के साथ तुम्हें कबूल नहीं करेगा। मैंने आपसे कहा था कि मुझे ये शादी नहीं करनी, और जवाब से शादी का फैसला भी आपका था, मेरा नहीं। नाजिया, तुमने पहले भी अपना फैसला खुद लिया था और शानी से शादी करके अपनी जिंदगी तबाह बर्बाद कर दी थी, अब फिर तुम कोई ऐसा इकदाम करने जा रही हो? मैं तुम्हें हरगिज़ इजाजत नहीं दूंगी। मैं माँ हूँ अम्मी, और अपनी ममता का गला नहीं घोट सकती। किस औलाद की बात कर रही हो? जिसका बाप एक शानी जैसा मर्द है, और वो औलाद जो अभी इस दुनिया में आई भी नहीं, उसके लिए अपनी जिंदगी बर्बाद करने पे तुली भी हो? अम्मी, वो मेरी भी औलाद है, जिस तरह आप तड़पती ना अपनी औलाद के लिए कि उसके साथ कुछ गलत ना हो। जब अल्लाह ताला एक औरत को औलाद की नेमत से नवाजते हैं तो उसके दिल में औलाद के लिए तड़प भी डाल देते हैं। और देखिएगा अम्मी, मैं अपने बच्चे के लिए एक अच्छी माँ बन के दिखाऊंगी। अम्मी, आप जवाब से कहते
कि मुझे उससे शादी नहीं करनी है, क्योंकि मैं अब माँ बनने वाली हूँ तो मेरी प्योरिटी मेरे आने वाली औलाद है। रहने दो, अब ये काम तो मुझ पर छोड़ दो, मैं जवाब से खुद बात करूँगी। हो सकता है वो तुम्हें बच्चे के साथ ही कबूल कर ले। अम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं, जब मेरे होने वाली औलाद का बाप जिंदा है तो मैं उसे दूसरा बाप कैसे दे दूं? क्या मतलब क्या है तुम्हारा इस बात से? तुम शानी जैसे आदमी को माफ कर दोगी जिसने तुम्हारी जिंदगी में जहर घोल दिया, तुम्हें तबाह और बर्बाद कर दिया? अम्मी कुछ दिनों से मैं अंदर ही अंदर बेचैन सा फील कर रही थी, मगर आज मेरे इस फैसले से मुझे सुकून मिल गया। अल्लाह मेरी मदद फरमाए, मुझे रास्ता दिखाए, मैं शानी को कहाँ ढूंढूं, मेरी गलतियों को माफ कर दे। शानी सुकून के खातिर इस दर पर आ गई, लेकिन जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी चैन से ना जी सकूंगा ना मर सकूंगा। मेरा भी हाल कुछ ऐसा ही है, तुम्हें तुम्हारी मदामत यहाँ पे लाने पर मजबूर हो गई और मुझे मेरी बदले की आग। बहुत लोगों के दिल दुखाए हैं मैंने, बहुत तकलीफें दी हैं तुम सब, हमेशा अपने बारे में सोचा, अपनी खुशी का सोचा, लोगों का माल लूटा, मुझे तकलीफ थी, पता नहीं वो सब मुझे माफ करेंगे या नहीं, लेकिन उन सबसे ज्यादा तकलीफ मैंने तुमको दी। जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी मैं चैन से जी सकूंगा ना मर सकूंगा। मैं तो कब्र में भी चैन से नहीं लेट सकता जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगे। शायद मैं इस रिश्ते का एहतराम कभी नहीं कर पाती, यह एहसास मेरे अंदर एक खास रिश्ते ने जगाया है।
बस तो मुझे माफ कर दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बाकियों से भी माफी मांग। जानना नहीं चाहोगे कि वो खास रिश्ता कौन है? क्या ये एहसास हमारी होने वाली औलाद ने जगाया? और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि अपने बाप के बिना इस दुनिया में आए। मैं इस खुशी के काबिल नहीं हूं। मैंने तुम्हें सारी जिंदगी कुछ भी नहीं दी, हमेशा तुमसे छीना। मैं एक अपाहिज हूं, इस औलाद को मैं कुछ नहीं दे सकता। तुम इसको पालो, इसको एक अच्छा इंसान बनाओ, मेरे साए से भी दूर रखो। मैं इसको जी के काबिल नहीं। शानी, दौलत से खुशियां नहीं मिलती है, खुशियां दिल से मिलती है, और ये तुम्हें समझना होगा। ज़ेर भाई, मैं आपसे माफ़ी मांगने आई हूँ अपनी और नवाज की तरफ से। देखें, गुजरा वक्त दोबारा तो नहीं ला सकते कि उसे सुधारा जाए, लेकिन आप मेरा यकीन करें कि सवेरा एक पाकबाज और सच्चे दिल से आपसे मोहब्बत करने वाली औरत है। और नवाज ने जो आपके और सवेरा के दरमियान शक की दीवार बनाई थी, वो नहीं, इसमें आपका या नवाज का कोई कसूर नहीं है। कसूरवार तो मैं हूं। सवेरा और मेरे रिश्ते में तलखियां तो बहुत पहले आ चुकी थी, इस सब का जिम्मेदार भी सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। मैंने तो सिर्फ मंजिलें जुदा करने की कोशिश की थी, वरना रास्ते तो मैं बहुत पहले ही लग कर चुका था। उज़ैर भाई, नवाज अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है। दो दिलों को जुदा करना बहुत बड़ा गुनाह है, और जाने अनजाने में वो ये गुनाह कर चुके हैं। मेरा सवेरा कहाँ है? मैं उसे घर लाना चाहता हूँ। उज़ैर भाई, सवेरा ने भी नवाज को माफ कर दिया है, और वो हमारे घर में बहुत इज्जत व एहतराम के साथ रह रही है। और ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने उसे वापस लाने का इरादा कर लिया है, लेकिन क्या शाहाना आंटी राजी हैं? ठीक है उज़ैर भाई, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप जब उसे लेने जाएं तो पूरी सच्चाई और सच्चे दिल के साथ, और आपको सवेरा के दिल से उसके लिए बात निकालनी होगी कि नाज़िया के साथ कुछ गलत कर सकती है, क्योंकि मैं उसे जानती हूँ, वो ऐसा नहीं कर सकती। वो कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं कर सकती। जी ठीक कहा आपने, सवेरा किसी के साथ कुछ गलत नहीं कर सकती। सुहेल, उस दिन जब मुझे हुमैरा ने कहा कि मुझे यकीन करना चाहिए कि
सवेरा कुछ गलत नहीं कर सकती तो एक लम्हे के लिए मैं यकीनी और बेयकीनी की कैफियत में गिरफ्तार सा हो गया बेअब वक्त कि क्या वाकई वाकई उसने नाजे के साथ कुछ गलत नहीं किया। देखो जहर, अगर अब तुम सवेरा भाभी को घर लाओगे तो तुम्हें दिलो दिमाग से इस कैफियत को दूर करना पड़ेगा, नहीं तो रिश्तों की कड़वाहट कभी तुम दोनों को एक साथ नहीं रहने देगी। सुहेल, मैं उसे ले तो आऊंगा लेकिन अम्मी और नाजिया उसे एक लम्हे के लिए बर्दाश्त नहीं करेंगी, क्या करूंगा? तो फिर तुमने क्या सोचा? क्या तुम अब भी सवेरा भाभी को उनके नाकर्दा गुनाहों की सजा भुगतने के लिए छोड़ दोगे? देखो, अम्मी ने नाजिया के बारे में कुछ सोच तो रखा है। अम्मी का कहना यह है कि जब तक नाजिया की शादी नहीं हो जाती मैं सवेरा को लेकर अलग शिफ्ट हो जाऊं। लेकिन तुम कैसे इस तरह दो घरों में बटकर रहोगे? मेरा ख्याल है तुम्हें नाजिया से बात कर लेनी चाहिए। यार, मैं नाजिया से इस बारे में किस तरह बात कर सकता हूँ? ठीक है, मेरी सवेरा के लिए मोहब्बत एक तरफ, उसकी सच्चाई, उसकी बेगुनाही एक तरफ, लेकिन नाजिया के आंसुओं का क्या? बेमानी तो नहीं है ना? सही कह रहे हो तुम, लेकिन परेशान मत हो। देखो, जब मामला यहां तक सुलझ गए हैं तो इंशाल्लाह ताला आगे भी ठीक होगा। इंशाल्लाह, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता कि मैं सवेरा के सामने क्या मुंह लेकर जाऊं। इतना घटिया, इतना गिरा हुआ इल्जाम लगाया मैंने उसमें। उज़ैर भाई, उज़ैर भाई, मुझे माफ कर, मैंने आप लोगों को बहुत दुख दी, बहुत तकलीफें दी, से हाथ छोड़ के माफी मांगता, मुझे मेरे गुनाहों की माफी दे। देखो शानी, तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। अगर नाजिया ने तुम्हें माफ़ कर दिया तो ठीक है, नाजिया की खुशी बहरहाल हमें बहुत अजीज़ है। और नाजिया, तुम? भाई, मैं इनसे बहुत नफरत करती थी और शादी भी मैंने सिर्फ और सिर्फ बदला लेने के लिए की, मगर ये नफरत कब मोहब्बत में बदल गई पता ही नहीं चला। मुझे इनको तकलीफ देते बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, मगर ये एहसास मुझे मेरे आने वाले बच्चे ने दिलाया कि असल बदला माफ करना होता है। मतलब कि तुम? देखो शानी, आज के बाद तुम नाजिया को कोई तकलीफ नहीं दोगे, मैं बता रहा हूं।